नज़ारा तो देखिए बदलने का, जो हम लोगों को भी सूचना समाचार माध्यमों से ही मिल रही है कि प्रशासन का और सरकार इस बार बहुत ही बड़े स्तर पे इसको करने जा रही है, जो कि देव दीपावली ऐसे ही बहुत ही भव्य महोत्सव होता था उसको और भव्यता प्रदान सरकार कर रही है। हम लोगों की तरफ से अपना प्रयास ये है कि हमारा पहला साल है, ये पहली बार बनारस में लोगों को नौकाओं के अलावा क्रूज़ का भी दिखेगा और जो यात्री रहेंगे उनको क्रूज़ की सुविधाएं मिलेंगी पूरी शाम को, और एक वो एक नया एडिशन जरूर रहेगा देव दीपावली पे। कैसा प्रयास है, कैसा रिस्पांस रहा है लोगों का अभी तक? बहुत ही, हर समाज के हर पक्ष से हम लोगों को बहुत ही सराहनीय और इनकरेजिंग रिस्पांस मिला है, और हम लोग सभी का धन्यवाद भी देते हैं और आगे स्वागत करने जी सारी सीटें फुल हैं। 3 महीने पहले जिस क्रूज़ का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था वो अब गंगा में चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई है, और इस बार पहली बार देव दीपावली में क्रूज़ का भव्य नज़ारा सैलानी भी देखेंगे और सैलानी अंदर बैठ के गंगा की भी छटा देख पाएंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि क्रूज़ इस बार पहली बार गंगा में देव दीपावली अपने पर्यटकों को दिखाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, वहीं आपको ये भी बताते चले कि लगभग 60 सीटें हैं इस क्रूज़ में, और जिसमें 40 सीटें बुक हो गई हैं। 20 सीटें VVIPs के लिए अभी बुक नहीं की गई हैं, और वहीं अधिकारियों की माने तो इस बार गंगा का अलौकिक नज़ारा जो है क्रूज़ से यात्री देख सकेंगे। अमित दत्ता, ETV, वाराणसी।